माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग और आज हम पढ़ेंगे वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। क्लास 7 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वो रिमेनिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग चैप्टर वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। लेट गेट स्टार्टेड। बायोलॉजिकल वेदरिंग, इससे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, और थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। Sometimes plants, animals and human activities cause disintegration of rocks. कभी कभी जो plants, animals और human activities होती हैं, वो cause करती है, वो क्या करती है, disintegration of rocks कर देती है, यानी कि रॉक का टूटना। सच वेदरिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग, और इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक वेदरिंग, और बायोलॉजिकल वेदरिंग को हम ऑर्गेनिक वेदरिंग भी कहते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी फिजिकल और केमिकल, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है या तो फिजिकल हो सकती है या वो केमिकल हो सकती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज मेनली ब्रॉट अबाउट इन द फॉलोइंग वेज, और जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो कैसे कैसे लाई जा सकती है, उसके फॉलोइंग वेज है। फर्स्ट वन इज प्लांट रूट्स। रूट्स ऑफ प्लांट्स पेनिट्रेट इनटू क्रैक्स एंड जॉइंट्स इन द रॉक्स। जो रूट होते हैं प्लांट के, ठीक है, तो वो उन क्रैक्स में चले जाते हैं या तो रॉक्स के जॉइंट में चले जाते हैं। एज दीज रूट ग्रो दे वाइडन द क्रैक्स, और जैसे जैसे वो रूट्स बड़ी होती रहती हैं वो उन क्रैक को क्या कर देती हैं, चौड़ा कर देती है, वाइडन कर देती है, एंड कॉज द रॉक्स टू ब्रेक और डिसइंटीग्रेट, और इस वजह से जो रॉक है वो टूट जाती है। बिसाइड्स दिस वॉटर एंटर्स दिस क्रैक, और इसके अलावा एक तो रूट्स उसमें चले गई, ठीक है, प्लांट्स की, और जो इसके बाद होता है वो क्या है, वाटर भी अगर एंटर करे इन क्रैक में तो वो उससे क्या होता है, केमिकल वेदरिंग हो जाती है और फ्रॉस्ट एक्शन हो जाता है। हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि जो फ्रॉस्ट सेटरिंग है वो क्या है, जो पानी वो फ्रीज हो जाता है और वो क्या कर देता है, बाद में वो वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, जो फ्रीज पानी है, फ्रीज वाटर है, और वो क्या करता है उन क्रैक्स की वॉल पे प्रेशर लगाता है और वो रॉक टूट जाती है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स इन द सॉयल फॉर्म ऑर्गेनिक एसिड, और जो बचे हुए यानी कि जो डेड प्लांट्स, डेड यानी कि अब उनमें लाइफ नहीं है, तो वो सॉयल में क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, विच वेन डिजोल्व विद वाटर कॉज केमिकल वेदरिंग, और जब वो पानी के साथ घुल जाते हैं, वेन दे डिजोल्व विद वाटर दे कॉज केमिकल वेदरिंग। अपरूटिंग ऑफ ट्रीज बाई विंड्स ऑल्सो ब्रेक्स द रॉक्स, और जो ट्रीज उखड़ जाते हैं कैसे, हवा से, आपने देखा होगा हवा भी एक क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, जो फोर्स आता है विंड के थ्रू उससे क्या हो जाता है, ट्री उखड़ जाते हैं और वो भी रॉक्स को तोड़ देते हैं। एंड एक्सपोजेस देम टू फर्दर वेदरिंग, और इस वजह से क्या हो जाती है, वेदरिंग भी हो जाती है। एनिमल्स क्रिएचर्स सच एज आंट्स, अर्थवर्म्स एंड बुरोइंग एनिमल्स, जैसे कि रैट, रैबिट, मोल्स एंड मोंगूज, लूजन द सॉयल एंड मेक टनल्स इन द ग्राउंड, जैसे कि आपने देखा होगा जो आंट है तो वो जब सॉयल में अपना घर बना देती है तो वहां पे होल बना देती है ना, तो वैसे ही वो लूज कर देती है सॉयल को और टनल बना देती है, देखा भी होगा, अर्थवॉर्म भी ऐसे ही करते हैं। बुरोइंग एनिमल यानी कि जो किसमें रहते हैं, वो बुरो बना के, जैसे कि रैट गड्ढा बना के ना वो जमीन के अंदर वहीं रहता है, रैबिट, मोस और मोंगोस, ये क्रिएचर्स वो लूज कर देते हैं सॉयल को और टनल बना देते हैं ग्राउंड में। दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉयल एंड एक्सपोजिंग द बेयर सर्फेस ऑफ द अर्थ लीड्स टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और ये जो प्रोसेस है यानी कि इससे सॉयल ढीली हो गई है और जो उसका बेयर सर्फेस है, जो उसका जो सर्फेस दिखाई दे रहा है अर्थ पे, तो वो क्या हो जाता है, उसकी वजह से भी वेदरिंग हो जाती है रॉक्स की। Human activities, many human activities such as mining, quarrying for industrial and building material, tunneling, blasting of hills and ridges by dynamite or construction of roads and dams and deforestation result in large scale weathering of rocks. अब human activities क्या हुई, बहुत सारी activities, जैसे कि mining करना, mining यानी कि मिनरल्स वगैरह, जैसे आप आयरन और जैसे आप कोल निकालते हो किससे, जमीन के अंदर से, तो वो माइनिंग हो गई, कोयले की खान, और बहुत सारे मटेरियल निकालते हो आप, क्वेरिंग वो भी वही डिग करना और वहां से क्या निकालना, जैसे कि आप अर्थ को डिग करते हो वहां से कभी पत्थर निकालते हैं, रेत, तो ये हो गई क्वेरिंग फॉर इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग मटेरियल, अपने इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग मटेरियल के लिए। टनलिंग ब्लास्टिंग ऑफ हिल्स, टनल यानी कि आपने देखा होगा जो रेल रेलगाड़ी चलती है तो उसके लिए भी टनल बनती है, तो आपने देखा होगा जहां पे हिल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, ब्लास्ट, और वहां से टनल निकाली जाती है। एंड रिजेस बाय डायनामाइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स, और जो रिजेस बनाई जाती हैं वो किसके थ्रू, डायनामाइट के थ्रू,
क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए रोड्स और डैम्स और डिफोरेस्टेशन रिजल्ट इन लार्ज स्केल वेदरिंग ऑफ रॉक। और जब क्या करते हो आप प्लांट को क्या कर देते हो, काटने लग जाते हो, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो नहीं है अब उतने, ठीक है। उस वजह से भी वेदरिंग ऑफ रॉक बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स वहां पे नहीं होंगे तो वो जल्दी ही इरोड हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि आप देखते हो ब्लास्टिंग ऑफ हिल्स हो रहा है, जैसे कि उत्तराखंड में भी रेलवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि बहुत सारे जो हिल्स हैं, बहुत सारी चट्टाने, उनको क्या कर दिया जाता है, वहां से टनल्स होके निकल रही है, तो ब्लास्टिंग के थ्रू। तो इस वजह से भी लार्ज स्केल वेदरिंग होती है। ये क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कोई पिक्चर में दिखाया गया है कि के नॉट कॉपर माइन इन बिंगम, तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो अपने क्या करने के लिए, जो भी ये मटेरियल्स वगैरह है, ओर वगैरह है, ठीक है, इसको हमें चाहिए, तो हम अपने पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पे डिगिंग कर रहे हैं, क्वेरिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। एट इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, और वेदरिंग के इफेक्ट्स क्या हुए, वेदरिंग रिजल्ट्स इनटू मास वेस्टिंग। वेदरिंग का जो रिजल्ट है वो मास वेस्टिंग है। अब मास वेस्टिंग क्या है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लूज वेदर्ड मटेरियल ऑन हिल स्लोप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड लुब्रिकेशन बाय रेन वाटर और मेल्टेड स्नो इज कॉल्ड मास वेस्टिंग। जो डाउनवर्ड मूवमेंट है यानी कि नीचे की तरफ मूवमेंट, ठीक है, किसका, लूज वेदर्ड मटेरियल का जो लूज हो चुके हैं, कहाँ पे, हिल स्लोप में, और किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और उनका लुब्रिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, जब बारिश का पानी पड़ता है या बर्फ पिघल गई है, तो उसको बोलेंगे मास वेस्टिंग। इस मेन टाइप्स और इसके टाइप्स क्या हुए, लैंडस्लाइड्स जैसे कि खिसक जाना जमीन का, और मड फ्लोज यानी कि मिट्टी का बहना, और सॉयल फॉर्मेशन। लैंडस्लाइड्स तो पहला है जो इफेक्ट होते हैं वेदरिंग के, वो क्या है, फर्स्ट वन इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ रॉक। लैंडस्लाइड क्या हुआ, रॉक का मूवमेंट हो जाना, खिसक जाना, एंड सॉयल डाउन अ स्लोप, और सॉयल को क्या करती थी, नीचे गिरा देती है। लैंडस्लाइड्स कैन रेंज इन साइज फ्रॉम अ सिंगल बोल्डर इन अ रॉक फॉल टू अ वेरी लार्ज एवलांच ऑफ डेब्रिस विद ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ रॉक्स। और आपने देखा होगा कि जब लैंडस्लाइड होता है तो कितनी मिट्टी, कितने पत्थर उस चट्टान से नीचे गिर जाते हैं, इनफैक्ट जो वहां पे जगह रहती है वो उसको भी ढक देते हैं। तो ये होता है, दैट कैन बी स्प्रेड अक्रॉस मैनी किलोमीटर्स, और वो फैल जाता है बहुत किलोमीटर तक। सेकेंड वन इज मड फ्लोज। मड फ्लोज आर ऑल्सो कॉज बाई वेदरिंग। जो मड फ्लो होते हैं, मिट्टी का बहना, वो भी वेदरिंग की वजह से होता है। व्हेन द अर्थ सर्फेस इज डिवाइड ऑफ वेजिटेशन, जब वहां वेजिटेशन नहीं होगी, जब वहां प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे, इस वजह से। इट इज अ फ्लो ऑफ वाटर दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और जब बहता पानी, जब वहां पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो बहता पानी अपने साथ ले जाएगा बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स और सिल्ट यानी कि रेत। मड फ्लो डिपोज पॉली सॉल्टेड मिक्सचर्स ऑफ सिल्ट। और जो मड फ्लो डिपोजिट होते हैं वो क्या है, किसके मिक्सचर है, सिल्ट, बोल्डर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, और बाकी जो बचा कुचा मटेरियल है, अदर डेब्रिस। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक। जो सॉइल है वो भी फॉर्म्ड होती है किसके, रॉक्स की वेदरिंग की वजह से और मिनरल्स की। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कंटिन्यूअसली ब्रेक्स डाउन। और जो प्रोसेस वेदरिंग वेदरिंग की वो चलती रहती है, वो रॉक को क्या करती है, तोड़ती रहती है, और रॉक को टीनी पार्टिकल्स में तोड़ देती है, और उसके साथ मिक्स हो जाते हैं मॉस और ऑर्गेनिक मैटर। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ सॉयल। और बहुत लंबे टाइम के लिए ये क्या फॉर्म करती है, एक बारीक लेयर, किसकी, सॉयल की। सॉयल फॉर्मेशन, अब हम पढ़ेंगे सॉयल फॉर्मेशन के बारे में कि सॉयल फॉर्म कैसे होती है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है वेदरिंग एंड सॉयल फॉर्मेशन, तो अभी आपने पूरा वेदरिंग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर का दूसरा नाम है, सॉयल फॉर्मेशन के बारे में। सॉयल इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सर्फिस। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो अर्थ की सर्फिस है उसमें क्या है, सॉयल एक टॉप कवरिंग है, यानी कि उसकी सर्फेस पे जो टॉप कवरिंग उसको ढका रहा है सर्फेस को, अर्थ की सर्फेस को। इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक एज वेल एज मिनरल मैटर। और ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ताकि वो बड़े हों। द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इज वेरी स्लो प्रोसेस। और जो सॉयल की फॉर्मेशन है, सॉयल बनती है जो, वो बहुत ही धीमी प्रोसेस है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इसको बहुत हजारों साल लग जाते हैं फॉर्म होने के लिए। ऑफ ए थिन लेयर, एक पतली लेयर सॉइल की फॉर्म होने के लिए स्टूडेंट कितना टाइम लगता है, थाउजेंड ऑफ ईयर लगते हैं, तो बहुत लंबा टाइम हुआ, और वो भी एक क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। सॉइल फॉर्मेशन इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नेचर। और सॉइल फॉर्मेशन में फिजिकल और केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इंक्लूड है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल पार्टिकल, सॉइल में मिनरल पार्टिकल होते हैं, मॉइस्चर भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया और अर्थवर्म। आपने देखे होंगे अर्थवर्म तो फ्रेंड है सॉइल के, वो सॉइल को क्या करते हैं, और अच्छा बनाते हैं, फर्टाइल करते हैं, तो वो उसके फ्रेंड कहे जाते हैं, और फार्मर के भी फ्रेंड कहे जाते हैं, कौन, अर्थवर्म।
फैक्टर्स फॉर सॉयल फॉर्मेशन। अब सॉयल फॉर्मेशन के फैक्टर क्या क्या हैं? सॉयल फॉर्मेशन इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ नेचर इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन विद सम अदर फैक्टर्स लाइक पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। जो सॉयल फॉर्मेशन है उसमें इन्वॉल्व, जैसे कि हमने पढ़ा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है नेचर की, कैसे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन में, वो किसके साथ, अदर फैक्टर के साथ, जैसे पेरेंट मटेरियल, वहां की टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट कैसी है वहां की, क्योंकि आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप की सॉयल एक ही जगह में, सारे टाइप की सॉयल, जैसे लैटराइट सॉयल होती है, रेड सॉयल होती है, ब्लैक सॉयल होती है, वो एक ही जगह में तो नहीं मिलती ना, वो क्लाइमेट और टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से जो फैक्टर है सॉयल फॉर्मेशन के, वो डिपेंड करते हैं इन पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म और टाइम पे। द पेरेंट मटीरियल इज द अंडरलाइंग मटीरियल, मटीरियल लाइन जस्ट बिलो द सॉयल, जो पेरेंट मटीरियल होता है वो किसके नीचे है, सॉयल के नीचे है, फ्रॉम विच द सॉयल हैज फॉर्म, जिससे कि सॉयल फॉर्म्ड होती है, इसलिए उसको कहा गया, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वैसे ही सॉयल है, तो उसका भी पेरेंट मटेरियल है, यानी कि उसके जस्ट बिलो, यानी कि उसके नीचे होती है, और उसी की वजह से सॉयल फॉर्म होती है पेरेंट मटेरियल की वजह से। दिस पेरेंट मटीरियल इन्फ्लुएंसेस बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉयल, की जो पेरेंट मटीरियल है ये इन्फ्लुएंस किसको करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके, सॉयल की। द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉयल फॉर्मेशन आर, एंड दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट सॉयल फॉर्मेशन, एंड दे आर, द फर्स्ट वन इज टोपोग्राफी और रिलीफ रिलेट्स टू दैट शेप एंड स्लोप ऑफ द लैंड, जो टोपोग्राफी होगी वहां की, या वहां के रिलीफ फीचर होंगे, हिल्स, स्लोप्स, ये होंगे माउंटेन्स, तो वो रिलेट करेंगे वहां के शेप और स्लोप को, किसके, लैंड के, एज वेल एज द एलिवेशन, यानी कि कैसा एंगल, एंड लैंडस्केप, वहां की लैंडस्केप कैसी है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर और रेनफॉल भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ वेदरिंग को। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वेदरिंग का किस पे डिपेंड करता है, जैसे कहीं इलाके में बारिश ज्यादा होती है और कहीं इलाके में तेज धूप होती है, तो वेदरिंग का उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म हेल्प क्रिएट एंड एनरिच सॉयल, जो प्लांट और एनिमल और जो और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो क्रिएट करते हैं और सॉयल को और फर्टाइल बनाते हैं, जैसे कि हमने बताया अर्थवर्म। द एक्सक्रीमेंट फ्रॉम एनिमल्स, और जो वो एक्सक्रीट निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स का भी, ठीक है, तो वो जो एक्सक्रीट निकालते हैं वो ऐड कर देता है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो सॉयल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज कर देता है, एंड मैटर टू द सॉयल, और मैटर दे देता है सॉयल को, यानी कि सॉयल फर्टाइल हो जाती है, अच्छी होती है सॉयल। ग्रोइंग, जैसे कि हम काउंटर भी तो डालते हैं, उससे भी सॉयल फर्टाइल होती है, तो इसी वजह से हम इनका यूज भी करते हैं, तो वही है यहाँ पे। ग्रोइंग इनवर्टिब्रेट्स सच एज अर्थवर्म, बीटल्स, एंट्स एंड टर्माइट्स एंड पॉट एंड क्रिएट पोर्स इन द सॉयल, जैसे कि बुरोइंग इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जो क्या करते हैं, बुरो बना के रहते हैं ना उसमें सॉयल में, ठीक है, उसमें से ये है आंट्स, टर्माइट्स, तो ये क्या कर देते हैं, छेद बना देते हैं सॉयल में, जिससे एयर और वाटर उसमें एंटर होते हैं सॉयल में, तो इन्हीं की वजह से होता है ऐसा। द डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस, और जो डिकम्पोज यानी कि जो सड़ा हुआ रिमेन्स है किसका, प्लांट, जैसे कि बड़े होंगे तो उनके पत्ते भी तो झड़ते हैं, तो वो मिट्टी में मिलते हैं, एनिमल्स तो एनिमल्स भी जब डिकम्पोज होते हैं यानी कि आफ्टर डेथ, तो उसके बाद भी वो किस में हो जाते हैं, सॉयल में डिकम्पोज हो जाते हैं और वो एनरिच कर देते हैं सॉयल को, और इस डिकम्पोज रिमेन्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिकम्पोज रिमेन्स है उसको बोलते हैं ह्यूमस। सॉयल प्रोफाइल, अब सॉयल प्रोफाइल क्या है, सॉयल इज फॉर्म इन सेवरल हॉरिजेंटल लेयर्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो सॉयल है वो किससे बनती है, पेरेंट मटेरियल से, जो उसके जस्ट बिलो होता है, और सॉयल प्रोफाइल में क्या है, सॉयल फॉर्म्ड होती है, उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। दीज नेचुरल लेयर्स ऑफ सॉयल आर कॉल्ड सॉयल हॉरिजन्स, और इन नेचुरल लेयर को सॉयल की क्या बोलते हैं हम, सॉयल हॉरिजन्स। द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन शोइंग ऑल द लेयर्स फ्रॉम द सर्फेस टू डाउन ब्लो इज नोन एज सॉयल प्रोफाइल, जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है जिसमें आपको सारी लेयर दिखेंगी सॉयल की, सरफेस से लेकर डाउन, यानी कि जो उसकी सतह है, सरफेस है, वहां से लेकर डाउन तक, उसको बोलेंगे सॉयल प्रोफाइल। द सॉयल, जैसे कि प्रोफाइल बोलते हैं, प्रोफाइल में आपका क्या रहता है, नाम रहता है, बायोडाटा रहता है, आप कहाँ रहते हो, आपने क्या क्या किया, वैसे ही सॉयल की प्रोफाइल है, उसमें आपको सारी लेयर दिख जाएंगी। The soil horizons or natural layers of the soil vary in thickness. जो soil horizon या उसके layers हैं soil के, वो differ है एक दूसरे से, किसमें, मोटाई में। The four main layers of the soil are, और जो four main layer है soil की, वो है top soil, sub soil, weathered rock and bedrock. Bedrock को हम बोलते हैं parent material. First one is top soil. This is the uppermost layer of the soil and is predominantly made up of organic material called humus. ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है सॉयल की, कौन, टॉप सॉयल, और ये मेनली मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें ह्यूमस पाया जाएगा बहुत ज्यादा। दस दिस लेयर इज द डार्केस्ट एज इट कंटेन्स मोर ऑर्गेनिक मैटर, और इसलिए जो लेयर है ये डार्क है,
क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होते हैं। इट इज रिच इन मिनरल, इसमें मिनरल भी बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इज ऑफन द मोस्ट फर्टाइल ईयर, और इसलिए क्योंकि इसमें मिनरल अच्छे हैं, इसमें ह्यूमस की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये बहुत ही मोस्ट फर्टाइल ईयर है। कौन? टॉप सॉयल स्टूडेंट। एंड सब सॉइल बिलो द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे सब सॉइल। ये बनी होती है फाइनर रॉक से, और सिल्ट और क्ले रहेंगे इसमें। दिस लेयर डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, इस लेयर में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं। इन ओल्डर वेल डेवलप्ड सॉइल दिस लेयर कॉमनली हैज द हाईएस्ट क्ले कंटेंट, और जैसे कि अगर ये बहुत ही अच्छी वेल डेवलप्ड सॉइल है तो इस लेयर में बहुत ही ज्यादा क्ले कंटेंट होगा। तो स्टूडेंट आपके पास ये जो फिगर है, यहाँ पे सबसे पहले टॉप मोस्ट ह्यूमस हो गई, फिर उसके बिलो आया टॉप सॉयल, उसको हम ए होरिजन भी बोलते हैं, और ये भी इसमें भी ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आया सब सॉयल, ये जैसे आपको दिखा रहा है इस पिक में, सब सॉयल को बी होरिजन बोलेंगे, इसमें ह्यूमस पुअर होगा, यानी कि इसमें ह्यूमस उतना अच्छा नहीं होगा और इसमें मिनरल अच्छे होंगे। और इसके बाद आएगा वेदर रॉक बोलेंगे सी होरिजन, और इसमें नो प्लांट और एनिमल लाइफ, इसमें कोई भी लाइफ नहीं रहेगी, ये देखो। और लास्ट वन इज बेडरॉक, जिसको डी होरिजन बोलेंगे, तो बेडरॉक यानी कि इसमें रॉक होगी, तो इसमें कोई भी मिनरल नहीं, इसमें ह्यूमस भी नहीं है, इसमें कोई भी मिनरल नहीं है। तो स्टूडेंट ये इससे आप अच्छे तरीके समझ सकते हो और याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज वेदर रॉक बिलो द सब सॉइल, सब सॉइल के नीचे वेदर रॉक है, ये एक लेयर है जिसमें वेदर रॉक पार्टली होंगी, कुछ कुछ होंगी। दिस लेयर इज द ट्रांजिशन लेयर बिटवीन सॉइल एंड पेरेंट मटेरियल, और ये जो लेयर है ये एक ट्रांजिशन लेयर है। ट्रांजिशन लेयर किसके बीच की? सॉइल और पेरेंट मटेरियल के बीच की। स्टूडेंट सॉइल और पेरेंट मटेरियल के बीच की ये बेड रॉक और पेरेंट रॉक, लास्ट वन रॉक। दिस लेयर इज द बेड रॉक, और ये जो लास्ट लेयर है इसको बोलेंगे बेड रॉक, डी होरिजन बोलेंगे। इट इज सॉलिड अनवेदर्ड लेयर ऑफ रॉक, और ये एक सॉलिड अनवेदर्ड लेयर है जिसकी वेदरिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसका नाम है बेड रॉक और पेरेंट रॉक। तो स्टूडेंट सॉइल इरोजन, अभी हमने पढ़ा सॉइल प्रोफाइल के बारे में जिसमें की फोर लेयर आपने पढ़ी, और अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन रिफर्स टू द वॉशिंग अवे और रिमूवल ऑफ द लेयर्स ऑफ टॉप सॉइल बाय वेरियस एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। जो सॉइल इरोजन है, इरोजन का मतलब सॉइल का हट जाना अपनी जगह से, वो क्या रिफर करता है? वॉशिंग अवे, धुल जाना और रिमूव हो जाना, उस टॉप सॉयल का रिमूव हो जाना, जो कि हमने पढ़ी टॉप सॉयल सबसे अपर मोस्ट लेयर है जिसमें कि ह्यूमस प्रेजेंट रहता है, वो मिनरल भी अच्छे रहते हैं, तो वो रिमूव हो जाती है। कैसे रिमूव हो जाती है? इन एजेंट्स के थ्रू। कौन है वो एजेंट? रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी, विंड हवा आएगी तो वो भी उड़ा के ले जाएगी, और ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि माइनिंग करना, क्वेरिंग करना। सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, और जो सॉयल है वो अपनी फर्टिलिटी, जैसे कि टॉप सॉयल रिच होती है मिनरल्स और ह्यूमस से, ठीक है, बहुत ही अच्छी फर्टाइल ईयर है ये, तो अगर ये ही लॉस हो जाएगी तो सॉयल अपनी फर्टिलिटी खो देती है इरोजन की वजह से। समटाइम्स टॉप सॉयल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू लीचिंग, और कभी कभी जो टॉप सॉयल है वो लूज करती है अपनी फर्टिलिटी लीचिंग की वजह से। अब लीचिंग क्या है? लीचिंग अकर्स व्हेन वाटर पासेस डाउन थ्रू द सॉयल, लीचिंग तब होता है जब वो जो पानी है वो कहां से पास होगा? सॉयल के थ्रू पास होगा, और डिजोल्व मिनरल जो उस सॉयल में होंगे वो उनको अपने साथ ले जा देगा, कहां? सब सॉयल में। दिस रिमूवल ऑफ मिनरल्स बाय वाटर फ्रॉम द टॉप सॉयल इज कॉल्ड लीचिंग, और ये जो मिनरल्स रहते हैं टॉप सॉयल में, ठीक है, उनको वाटर ले जा देगा, ठीक है, अपने साथ, और इसी रिमूवल को किसके थ्रू? वाटर के थ्रू रिमूवल होना मिनरल्स का टॉप सॉयल से, इसको बोलते हैं लीचिंग। द टू मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल इरोजन आर फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर, जो दो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सॉयल इरोजन के वो क्या है? फिजिकल और कल्चरल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या है? एक तो लैंड का स्लोप, अगर स्लोप ज्यादा होगा लैंड में तो सॉइल इजिली इरोड हो जाएगी। द कल्चरल फैक्टर जो क्या है? डिफोरेस्टेशन, जैसे पेड़ों की कटाई, ठीक है, अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो उनकी रूट कैसे होल्ड करेगी? किसको? सॉयल को। तो जब वाटर या हवा इसीलिए ले जा देगी उस मिट्टी को अपने साथ, यानी कि टॉप सॉयल को। ओवर ग्रेजिंग, अगर वहां ज्यादा क्या होती है, जानवर जाते हैं और उनके जानवर क्या खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं जो भी है, वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो टॉप सॉयल इजिली रिमूव हो जाएगी वाटर से या विंड से। और अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, जैसे कि आप फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करोगे, फर्टिलाइजर कैसी? केमिकल वाली, ठीक है, और क्या यूज करोगे? पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, तो ये हुए अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग। तो इसकी वजह से भी टॉप सॉइल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती है। द टू मोस्ट कॉमन वेज बाई विच सॉइल गेट इरोडेड आर सीट इरोजन, जो टू मोस्ट कॉमन वेज है जिससे कि सॉइल इरोड होती है वो क्या है? एक सीट इरोजन, सेकेंड वन इज गुली इरोजन। When there is heavy rainfall, जब बहुत ज्यादा rainfall होती है,
तो जो थिन टॉप लेयर्स होती है सॉयल की, ठीक है, एक बहुत बड़ी जगह पे वो वॉश अवे हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या हुआ, जब बहुत ही ज्यादा बारिश होती है तो जो टॉप लेयर होती है, जो थिन टॉप लेयर होती है सॉयल की, उस बड़े एरिया में जो होती है वो वॉश हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सीट इरोजन। व्हेन रेन वाटर इन अ रीजन फ्लोज डाउन द स्लोप्स मेकिंग डीप नैरो फुरोज, इट इज कॉल्ड कुली इरोजन। और जब जो रेन वाटर, बारिश का पानी उस रीजन में फ्लोज होगा, बहेगा, जैसे कि आपको पता है जब बारिश आती है तो उसका पानी बहता है किधर की तरफ, जिधर ढलान होगी, तो वहां पे वो डीप नैरो फुरोज यानी कि वहां पे गड्ढे बना देगा और उसको बोलेंगे कुली इरोजन। तो आपको यहाँ पे पिक में दे रखा है, ये हो गया सीट इरोजन, सीट इरोजन हो गया, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है और क्या हो गया, वहां पे जो सॉयल कवर होगा उसको बह ले गया कौन, पानी, बारिश का पानी। तो ये हो गया सीट इरोजन स्टूडेंट, और ये हो गया बुली इरोजन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस रीजन में ये नैरो फुरोज यानी कि गड्ढा बन गया ना, तो ये इसको ले गया अपने साथ, तो इसको बोलेंगे गुली इरोजन। सच गुलीज मेक द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अब जब ऐसा लैंड रहेगा तो वहां कल्टीवेशन कैसा होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बैड लैंड्स, वहां पे अच्छे लैंड नहीं होंगे, एज हैज हैपेंड इन द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे कि मध्य प्रदेश की चंबल वैली है तो उसका एक एग्जाम्पल वहां यहाँ पे दे रखा है गुली इरोजन का। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या हुआ, कंजर्वेशन का मतलब सॉइल को बजाना। द टॉप सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो टॉप सॉइल है यानी कि विच इज रिच इन ह्यूमस एंड सो मेनी मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज टॉप सॉइल, सो इट इज मस्ट बी कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, इसको बचाए रखना है हमें। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल दोस मेजर्स विच कैन प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड करता है वो सारे मेजर जो प्रोटेक्ट करेंगे आपकी सॉइल को इरोजन से और उसकी फर्टिलिटी भी लॉस ना हो। देयर आर डिफरेंट वेज टू कंजर्व सॉइल, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं सॉइल को कंजर्व करने के, सॉइल को बचाने के। सब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, उसमें से आपके पास कुछ मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन रिमूवल ऑफ प्लांट्स, रिमूवल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। एफोरेस्टेशन प्लांटिंग मोर ट्रीज, इन दिस मेथड द सॉइल कवर इज कंजर्व बाय प्लांटिंग ट्रीज। इस वाले मेथड में जो सॉइल कवर है यानी कि आपकी जो सॉइल है वो वहां से इरोड ना हो तो आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्लांट लगाएं। वेजिटेशन कवर प्रोटेक्ट सॉयल फ्रॉम विंड, और जो वेजिटेशन कवर है वो भी प्रोटेक्ट करेगी सॉयल को, जब ज्यादा प्लांट होंगे तो वहां की वेजिटेशन भी अच्छी होगी, तो विंड भी जल्दी नहीं उड़ा देगी उस मिट्टी को और वाटर भी जल्दी नहीं उड़ा पाएगा उस मिट्टी को। प्लांट कवर और क्रॉप्स प्रिवेंट सॉयल इरोजन, अगर आप ज्यादा प्लांट लगाएंगे क्रॉप लगाएंगे तो प्रिवेंट करेगा सॉयल को इरोड होने से। सेकेंड वन इज कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग, वहां पे ज्यादा एनिमल्स को नहीं चराना है। ओवर ग्रेजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग टू मेनी लाइव स्टॉक, यानी कि बहुत सारे एनिमल को आप ग्रेज करवा रहे हैं वहां पे, तो उस वो जितना ज्यादा ग्रास खाएंगे, जितने ज्यादा वो खाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ रहेगा ही नहीं। फॉर एन एक्सेसिवली लॉन्ग पीरियड, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, सच दैट द लैंड इज अनेबल टू रिकवर इट्स वेजिटेशन, और लैंड को भी बहुत टाइम लगेगा रिकवर होने में। क्रॉप रोटेशन ग्रोइंग द सेम प्लांट ईयर आफ्टर ईयर रिमूव मिनरल फ्रॉम द सॉयल, अगर आप एक ही प्लांट को साल के बाद, एक साल के बाद एक ही प्लांट को रिपीट करते हैं लगाना, ठीक है, उससे भी रिमूव हो जाते हैं मिनरल सॉयल से। टू कीप द सॉयल फर्टाइल दीज मिनरल मस्ट बी रिटर्न टू द सॉयल, और अपनी सॉयल को फर्टाइल रखने के लिए इन मिनरल को तो रखना ही पड़ेगा सॉयल में। दिस इज ऑफन डन बाय क्रॉप रोटेशन, और इस आप कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं, क्रॉप रोटेशन करना। क्रॉप रोटेशन मींस वन क्रॉप इज ग्रोन फॉर वन ईयर एंड अ डिफरेंट क्रॉप इज ग्रोन इन द नेक्स्ट ईयर, जैसे इसका नाम है रोटेशन। रोटेशन का मतलब इस साल एक क्रॉप लगाओ और दूसरे साल दूसरी वाली, ऐसे ना कि एक ही का रिपीटेशन हो रहा है सालों के बाद, यानी कि एक साल के बाद वही लगाई दूसरे भी साल के बाद वही लगाई, ऐसा नहीं। एक साल में आपको एक क्रॉप लगानी है फिर वो एक साल बाद दूसरी क्रॉप लगानी है। लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन टू फिक्स अप द एग्जॉस्टेड नाइट्रोजन इन द सॉयल, और जैसे लेगुमिनस प्लांट्स है यानी कि जो क्या करते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो भी रिच कर देते हैं सॉयल की फर्टिलिटी को। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ रनिंग वाटर, अब रनिंग वाटर का जो रेट है उसको रिड्यूस करना कैसे। मैक्सिमम इरोजन टेक प्लेस इन द हिली रीजन, सबसे ज्यादा इरोजन कहाँ होता है, हिली रीजन में, पहाड़ी इलाकों में। किस वजह से, रनिंग वाटर, क्यों, क्योंकि वहां स्लोप ज्यादा होता है तो पानी नीचे की तरफ तो बहेगा जहां पे उसको स्लोप मिलेगा। देयर आर टू मेथड टू कंट्रोल इरोजन बाय रनिंग वाटर, और दो मेथड है जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इरोजन को, जब पानी बहे तो उसके साथ मिट्टी ना बहे। तो कौन से दो मेथड है, एक तो कंट्रोल प्लफिंग एंड टेरेस फार्मिंग। तो आपने देखा होगा ना कंट्रोल प्लफिंग का मतलब जहां पे आप क्या कर देते हो, एडजेस बना दोगे ताकि पानी इजिली फ्लो ना हो, और टेरेस फार्मिंग का मतलब सीढ़ी नुमा खेत, जैसे कि आपने देखा होगा हिली एरियाज में सीढ़ी नुमा खेत, तो उसमें जल्दी क्या नहीं होता है, रनिंग वाटर फ्लो नहीं होता है, ठीक है। प्लांटिंग सेल्टर बेल्ट, और आपको सेल्टर बेल्ट अगर प्लांटिंग करोगे, जैसे प्लांट्स ऑल्सो प्रिवेंट विंड इरोजन, जैसे आप प्लांट लगाओगे तो वो विंड इरोजन को क्या करेगा,
रोक देगा। सेल्टर बेल्ट आर थिक रोज ऑफ ट्री, जो सेल्टर बेल्ट है उसमें आप क्या लगाओगे, थिक रोज ऑफ ट्री का मतलब घने लगाओगे, ट्रीज लगाओगे तो उनकी रोज घनी रखोगे, उनके बीच ज्यादा गैप नहीं रखोगे। दैट ऑब्स्ट्रक्ट द विंड, बॉडी विंड को रोक देगी इसलिए रिड्यूस हो जाएगी विंड की स्पीड। इस वजह से जो सेल्टर बेल्ट है वो इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, विंड इरोजन के अगेंस्ट। एडिंग मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, आप मिनरल ऐड करें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें, यानी कि जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, और वो फर्टिलाइजर में बहुत सारे मिनरल्स होंगे जो सॉइल को रिच बनाएंगे। फैलोइंग, फैलोइंग क्या हुआ, द फील्ड इज लेफ्ट एम्प्टी ऑफ क्रॉप्स फॉर 1 और 2 ईयर, जो फील्ड है आपने वो उसमें कोई क्रॉप नहीं बोई, ठीक है, 1 और 2 सालों के लिए, ताकि जो सॉयल है उसको मौका मिल जाए अपनी फर्टिलिटी, जो कोई भी फर्टिलिटी है उसको वापस पाने का, और मिनरल्स को भी, तो इसलिए वहां पे कोई क्रॉप 1-2 साल तक नहीं लगानी है। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, लैंड में आपने कुछ भी नहीं बोना है उसको अनकल्टिवेटेड रखना है, और इसको बोलते हैं फैलो। जब आप लैंड को छोड़ते हो उसमें कुछ नहीं बोते हो, उसको वैसे ही रहना देते हो ताकि जो सॉयल है अपनी फर्टिलिटी गेन करे और मिनरल्स भी गेन करे, तो उसको बोलते हैं फैलो। स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ लैंड टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ द विंड्स, और क्रॉप्स को आप उगाओगे अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, यानी कि आपने जैसे कि इस वाले लैंड में अलग स्ट्रिप का मतलब, स्ट्रिप का मतलब धारियां टाइप, तो ऐसे करके आपने क्या करना है उस लैंड में ग्रोन करनी है क्रॉप को, तो इसमें अलग की फिर इसमें अलग की, ताकि आप ये देख सको कि जो विंड है वो उसका इम्पैक्ट ना पड़े उन पे, तो ऐसे करके स्ट्रिप क्रॉपिंग होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा आपके कंपेरिजन किसका, वेदरिंग इरोजन और डेनुडेशन का। तो वेदरिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो रॉक वेस्ट है वो प्रोड्यूस होते हैं किससे, बाय वेरियस एजेंट, किस एजेंट से, बाय मैकेनिकल ब्रेकिंग से। और मैकेनिकल ब्रेकिंग का मतलब अगर हमें कहीं पे रोड बनानी है तो हम उस चट्टान को तोड़ रहे हैं, तो मैकेनिकल ब्रेकिंग मतलब हमारे थ्रू। इट इज द एक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर और रॉक्स, और ये एक्शन भी हो सकता है वेदर और रॉक्स का। इट इज इन क्रिएटिव प्रोसेस, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। और इरोजन, इरोजन क्या हुआ, ग्रेजुअल एक्ट ऑफ वियरिंग अवे पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फिस बाई नेचुरल एजेंट्स, विंड वाटर के थ्रू जो भी पोर्शन है उसका, ठीक है, उसको इरोड करना है अपने साथ ले जाना। टेकिंग अवे द इरोडेड मटेरियल बाय द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट इज कॉल्ड इरोजन, और इरोडेड मटेरियल को ले जाना ट्रांसपोर्टिंग एजेंट वाटर और विंड, तो उसके थ्रू ले जाना उसको बोलेंगे इरोजन। और डेनुडेशन ये एक प्रोसेस है किसकी, वियरिंग अवे ऑफ रॉक, रॉक का गिरना, वियर अवे, वियर बाय द अंडरलाइंग रॉक्स आर लेड बियर, और जहां पे की जो अंडरलाइंग रॉक्स है वो क्या होगी हमें दिखेगी। द कंबाइंड एक्शन ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन इज नोन एज डेनुडेशन, जो कंबाइंड एक्शन है वेदरिंग का भी और इरोजन भी, दोनों एक्शन साथ साथ, तो उसको बोलेंगे हम डेनुडेशन। तो इन तीनों में स्टूडेंट ये डिफरेंस है, डेनुडेशन हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन, इरोजन हो गया नेचुरल एजेंट के थ्रू किसको ले जाना, सॉयल को ले जाना, ठीक है, नेचुरल एजेंट जैसे विंड और वाटर। और वेदरिंग क्या प्रोसेस है जिसमें कि जो रॉक वेस्ट है वो प्रोड्यूस होते हैं, एक तो हमारे थ्रू और एक ये क्रिएटिव प्रोसेस है, यानी कि एक ये खुद भी चलती है जैसे कि हमने वेदरिंग में पढ़ा। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियोस को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इन वीडियोस को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।